हे व्हाट्स अप गाइस। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस मैं आज ले आ चुका हूँ कैसे अपने फ़ोटो को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से स्मूथ एंड ब्राइट टोन दे सकते कोई भी फ़ोटो। गाइस ये वीडियो आप अगर देख लोगे तो वाई गाइस आप भी सीख जाओगे कैसे करते हैं सब। तो गाइस ज़्यादा समय ना लगाते हुए चले शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस फ़ोटो को हम ब्राइट टोन देंगे यानी थोड़ा एट्रैक्टिव कर लेंगे वो भी लाइट रूम ऐप से। तो सिंपली इस फ़ोटो को हम ऐड कर लेंगे लाइट रूम ऐप में। तो गाइस आ चुके हैं लाइट रूम ऐप में। तो गाइस सिंपली हम क्या कर लेंगे, पहले सबसे पहले जाएंगे हम इस टूल पर, इसके बाद हम जाएंगे मिक्स पर और जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज हमारा जो फेस है ना, फेस के ऊपर काम करता है, देख सकते हो कैसे काम कर रहा है। तो मैं करीब 85 की तरफ रखता हूँ और सेशन थोड़ा कम, ओके। और जो रेड है उसका सिचुएशन बढ़ाएंगे, इस जो रेड है ना वो गाइस हमारा होटो पे कम करता है, ठीक है। तो इसको मैं लुमिनेंस थोड़ा बढ़ाया, 100 ही कर देंगे, लेकिन 100 नहीं हो रहा है, हाँ हो गया। तो गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ब्लू है उसका ही थोड़ा इधर उधर करके देखते हैं किधर अच्छा लग रहा है। तो इसका सिचुएशन बढ़ाएंगे कुछ तरह से। और जो ग्रीन है, ग्रीन हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है ना, पत्तियाँ है वो सब का कलर चेंज करने के लिए, तो इसका सिचुएशन कम कर देंगे इस तरह से गाइस। और इसके बाद येलो भी वैसे ही कम करता है और इसको बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से। और स्ट्रिंग कलर को भी हम वाइट कर देंगे इस तरह से। तो गाइस डन। इसके बाद हम क्या करें, टेम्परेचर में आएंगे, टेम्परेचर थोड़ा देखते हैं किधर अच्छा लग रहा है। तो गाइस टेम्परेचर थोड़ा दे देते हैं 3K या 5 के आसपास। तो इसके बाद हम कहेंगे वाइब्रेंस बढ़ाएंगे कुछ तरह से और सेशन थोड़ा कम कर देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे इस विजनी टूल पर और इधर आके हमारा जो क्लैड है क्लैड को बढ़ाएंगे इस तरह से और विजनी को दे देंगे कुछ इस तरीके से -26। उसके बाद हम सिंपली आ जाएंगे जो सन आइकन है ना इधर। तो इसके इसके बाद हम कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, और ब्लैक को कम कर देंगे और जो हमारा वाइट है वाइट को थोड़ा कम कर देंगे, हाईलाइट को भी कम कर देंगे और शेडो थोड़ा नहीं कम कर देते हैं उस तरह से। तो गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, शार्प टूल पर आ जाएंगे इस बल पर, इसको शार्प कर देंगे करीब 80 और नॉइस को भी 20 के आसपास रखते और कलर क्रिएशन का भी सेम ही 20 के आसपास रखते। तो गाइस सबसे पहले तुमको आपको मैं दिखाता हूँ पहले फोटो कैसा था, पहले देख लो जूम करके और पहले देख लो कैसा था। तो गाइस पहले ऐसा था, ठीक है। अब लाइट रूम में कलर क्रिएशन करने के बाद गाइस ऐसा लग रहा है। तो गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो हमारा फेस में नॉइज है और पिंपल वगैरह थोड़ा थोड़ा है। तो गाइस इसको हम हटाएंगे प्रोफेशनल तरीके से। तो गाइस इसके लिए क्या करना होगा, ऑटो डिटेक्ट जो ऐप है ना, इसके जो प्ले स्टोर में फ्री में मिलता है, तो उस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं इस फोटो को उसमें। तो चलिए ऑटो डिटेक्ट की तरफ। सॉरी गाइस आपको वीडियो थोड़ा सा हाइड करके देखना होगा क्योंकि जो ऑटो डिटेक्ट ऐप है ना इधर ऐसे ही रिकॉर्ड होता है, फुल स्क्रीन पर रिकॉर्ड होता है। तो गाइस हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो गाइस इधर जो पेन आइकन का जो टूल है ना इधर आ जाएंगे और यहाँ पर से एक ब्रश सेलेक्ट करना होगा जिसका नाम होगा आईजे स्मज करके आएगा और ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेटिंग पे आ जाना है और इसके बाद आपका जो फ्लो और स्ट्रेंथ है उसको आप 4K 4 या 5% रखें और जो साइज़ है उसको आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा साइज़ बहुत ही पास में है यानी बहुत ही बड़ा है। तो गाइस इसके लिए हम क्या करें, साइज़ थोड़ा बढ़ा ही लेंगे। तो मैं यहाँ पर करीब 14.8 रखते हैं। तो गाइस सिंपली क्या करना है गाइस, आपको इस तरह से ब्रश कर देना है। तो गाइस देख ही सकते हो कुछ इस तरह से गाइस ब्रश करना है। तो गाइस आपका फेस स्मूथ होने लगेगा। तो गाइस अगर मान लो गाइस ब्रश करते करते आपका शायद
इस टाइप से अगर कुछ गलती हो गया है, देखो उधर मान लो कुछ इस तरह से गलती हो गया है, तो आप क्या करोगे इसको हटाने के लिए? तो ये साइड में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इधर जाकर मैं देखो लेफ्ट कॉर्नर में। तो गाइस इधर क्या करना है गाइस, आपको हम टैप टैप कर लेना है। तो गाइस देख सक देखोगे तो रुको मैं एक बार फिर से ऐसे करता हूँ। तो गाइस साइड में जब मैं टैप टैप करूँगा तो ठीक से देखना हट जाएगा धीरे धीरे। तो गाइस देखो हट गया। तो गाइस कुछ इस तरह से करते हैं गाइस। तो गाइस सिंपली गाइस आपको अपना फेस में ऐसे 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 करके आपको ब्रश करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है गाइस। एक बार ऐसा नहीं करना है गाइस, जो भी करोगे गाइस एक ही लाइन पे करना है। देखो कुछ इस तरह से करना है गाइस, एक ही लाइन पे ऐसे ऐसे करते करते जाना है। ओके गाइस तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइस देख ही सकते हो गाइस इधर बहुत स्मूथ हो चुका है, और इधर देखो इधर अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से गाइस आपको सारा फेस में गाइस इस तरह से ब्रश कर लेना है। तो गाइस आपका फेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कैसा लगेगा। तो गाइस साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम। तो गाइस देख ही सकते हो गाइस अपना फेस बहुत स्मूथ हो चुका है, ठीक है। तो गाइस अपना पिक्चर कुछ इस तरह से गाइस ब्रश करके स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से स्मूथ हो चुका है और फेस भी बहुत ही ब्राइट है। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।